हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दम बिरयानी की सिंपल रेसिपी। ऐसी रेसिपी जो कोई भी बना सकता है जिसने मतलब कभी कुछ कुक ना करा हो, मतलब चिकन वगैरह और बिरयानी वगैरह ना कुक करी हो, वो आराम से बना सकता है। इतने आसान तरीके से मैं आपको ये चिकन बिरयानी की रेसिपी बताने वाली हूँ, और आप सभी लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर मेरे को बताइएगा आपको ये चिकन बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। और तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने लिया एक बोल, और बोल में मैं ले रही हूँ चिकन। इसको मैंने वॉश कर लिया है 3 से 4 बार। ये 1/2 kg है चिकन, और अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 लेमन का जूस लिया है मैंने पूरा, 1 मीडियम साइज, और 1, 2, 3 और 4 बड़े चम्मच मैंने ये दही लिया है। और ये देखिए 1 चम्मच होगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये रेडीमेड है फ्रेंड्स, आप घर पे भी बना सकते हो, घर का ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं ले रही हूँ ये देखिए थोड़े से ग्रीन चिल्लीज, और ये जिंजर के जूलियंस है मैंने कट करके रखे हुए हैं, तो थोड़े से ये डालूंगी, थोड़े से मैं बचाऊंगी गार्निशिंग के लिए। और ये टमाटर भी डाल दूंगी मैं इसी में। मैं इतना आसान तरीका बताने वाली हूँ आपको, किसी ने नहीं बताया होगा ये। आपको जो भी मतलब डालना है अपनी बिरयानी में वो डाल सकते हैं। धनिया पत्ता है और ये पुदीना पत्ता है, ठीक है, मैंने पहले से कट करके रखा था। और थोड़े से मैं इसमें ब्राउन अनियन डाल दूंगी, और ये देखिए थोड़ा सा मैं इसमें बिरयानी मसाला भी मिला लूंगी। और अब इसमें बेसिक मसाले डालेंगे, 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर और 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच नमक। नमक आप इसी के हिसाब से डाल लेना, क्योंकि चावलों में नमक ऑलरेडी डला हुआ है। मैंने चावलों को बॉईल करने के लिए रख दिया है, बॉईल उसको पूरा बॉईल नहीं करना है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसा रखना है। और ये सब डालने के बाद तो देखिए मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला लिया है, 1/2 स्पून होगा ये बस। और ये जो भी हमने इसमें डाला है सब कुछ, इसको अच्छे से हम इस पर मसाज करेंगे चिकन पे। ध्यान से करिएगा क्योंकि ये चिकन विद बोर्न है, तो हाथ में भी आपके लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली करिएगा। जो भी आपको बिरयानी में डालना है सब इसी में डाल लें बस, बाकी थोड़ा सा बचा के रखें जो हम बिरयानी की लेयर लगाएंगे उसके ऊपर डालने के लिए। इस तरीके से आपको दम बिरयानी बनाना किसी ने नहीं बताया होगा, एकदम सिंपल है, कोई भी बना सकता है। जिसने मतलब कभी ना बनाया हो वो भी बना सकता है। ये देखिए ये अब मैं इसको रखने वाली हूँ कम से कम 1/2 से 1 घंटा, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। फ्रेंड्स, मैंने भगोने में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये गर्म हो चुका है, हीट आ रही है। अब इसमें डालेंगे होममेड घी 2 चम्मच, मैंने बे लीव्स लिए हैं, और 6-7 मैंने ये लौंग लिए हैं और इलायची, और 4-5 मैंने ये काली मिर्च ली है। एक चम्मच जीरा लिया है, और गैस को कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जो चिकन हमने लिया था ये मैरिनेट करके रखा था, अब वो इसको डायरेक्ट इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने सारे मसाले वगैरह सब कुछ हमने इसमें डाल रखा है। देखिए इसमें डाल दिया मैंने और चला दिया इसको, इसको हम लो फ्लेम पे ही ऐसे भूनते रहेंगे थोड़ी देर।
पहले जब आप डालेंगे तो इसको हाई फ्लेम कर दें, क्योंकि चिकन ठंडा है, क्योंकि हमने फ्रिज में रखा था इसको मैरिनेट करने के लिए। और जब ये मतलब कुक होना शुरू हो जाए तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो देखिए चिकन ये पकना शुरू हो गया है, ठीक है। और इसको ऐसे चला के हम ढक्कन डाल देंगे इसके ऐसे, और गैस को कर देंगे लो फ्लेम पे। इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया तो ये ऐसा हो गया है, अच्छे से मतलब कुक हो रहा है। और ये 70% कुक होने तक हमें ऐसे पकाना है चलाते हुए। जब आपको लगे कि मतलब थोड़ा ही पकने के लिए रह रहा है, 70% पक चुका है, तब मैं आपको बताऊंगी आगे करना क्या है, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए ये 70% कुक हो चुका है चिकन। मैं अब इसमें से हाफ चिकन निकाल लूँगी, हाफ इसी में रहने दूंगी, ऑयल को सारा नीचे ही छोड़ दूंगी, ज़्यादा ऑयल में इसमें नहीं लूँगी। इसी में मैंने अनियंस ब्राउन करे थे तो मैंने सोचा मैं इसी में निकाल लेती हूँ। ये बड़े वाले पीस को मैं इसी में रहने दूंगी, क्योंकि अगर ये अंदर तक कुक नहीं हुआ होगा तो बिरयानी के साथ कुक हो जाएगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स इसमें से। ये देखिए मैंने इसमें इतना छोड़ दिया है, अब मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स राइस को मैंने पका के एक बोल में निकाल लिया है। ये राइस को मैंने जैसे मैंने 70% पकाया चिकन, ऐसे ही 70% मैंने इन चावलों को पकाया नमक डाल के, ठीक है। अब मैं इसमें इस डालूंगी, तो देखिए मैंने इस पर राइस डाल लिया है। मैं सम अनियंस डालूंगी जो मैंने ब्राउन करके रखे हुए थे, मैंने थोड़े से बचा लिए थे। और ये जिंजर के जूलियंस डालूंगी और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, थोड़ी सी मिंट लीव्स और ज्यादा नहीं, 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी होममेड घी। और ये चिकन मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, पूरी तरह नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि पूरी तरह अगर मैं फैला दूंगी तो चावल पूरे मसालेदार हो जाएंगे, वाइट और वो जो कलरफुल दिखते हैं ना वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि नीचे बहुत सारा मसाला है। तो दोबारा से वही प्रोसेस करना है, पहले हम राइस डाल लेंगे, ये चावल तो बहुत सारे हो गए। तो मैंने चावल फैला लिए, फिर से वही बस ब्राउन अनियंस फैलाने हैं और सारा चिकन डाल दूंगी अब मैं। और जो भी मतलब आपके पास बचा हुआ सामान है, अदरक धनिया और कोरिएंडर, सब कुछ इसी पे डाल दीजिए। और लास्ट में 1 चम्मच घी, घी आप इसमें अच्छे से डालें, क्योंकि घी से ही बिरयानी का टेस्ट आता है। मैंने फ्राई करने में भी डाला था और मतलब सब जगह डाला है। तो बस ये तैयार है, अब मैं इसको दम पे रख दूंगी, ऐसे रख के। इसके ऊपर कोई भारी चीज रखे, कोई आपको पैक करने की जरूरत नहीं आटे वाटे से, ऐसे ही रखूंगी। इसके ऊपर कोई भारी चीज रख के इसको रख दूंगी मैं 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ठीक है। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स 15 मिनट के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया था और आधे घंटे बाद मैं इसको आपको खोल के दिखाने वाली हूँ। देखिए इसकी कंडीशन ऐसी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। मैं दिखाती हूँ आपको सर्व करके एक कोने से। देखिए देखिए नीचे से ऐसा निकल रहा है। पूरी बिरयानी को मिक्स मत करिएगा कभी भी, क्योंकि सारा मसाला सारे चावलों में लग जाएगा, जिसकी वजह से ये कलरफुल नहीं दिखेगा। मतलब वो अच्छे लगता है ना, कहीं पर मतलब येल्लो कलर के होते हैं, कहीं पर वाइट कलर के होते हैं। तो देखिए
तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। मैंने इसको अनियन जूलियंस के साथ और दही के साथ सर्व किया है, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरे को बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बाय।